हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कमिटमेंट के बारे में। यस, कमिटमेंट। कमिटमेंट ही वो ऐसा चीज है जो कि आपको आपके सफलता का शिखर तक पहुंचा सकता है। सो इफ यू आर नॉट कमिटेड टू योर गोल, टू योर अचीवमेंट, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड इन दिस वीडियो आई एम टेलिंग यू दैट आई विल क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट रिगार्डिंग कमिटमेंट। कोई सा भी बंदा जब तक अपने गोल के प्रति, अपने एस्पिरेशंस के प्रति फुल्ली तरीके से कमिटमेंट नहीं होता, तब तक वो अपना 100% नहीं दे सकता। यू हैव टू बी वेरी मच कमिटेड टू योर गोल्स एंड अचीवमेंट, जो आप चीज करना चाहते हो लाइफ में। एंड यू हैव टू बी कमिटेड इन रिलेशनशिप ऑल्सो। मान लो कि आप एक हस्बैंड हो, वाइफ के प्रति कमिटमेंट, आप एक वाइफ हो, हस्बैंड के प्रति कमिटमेंट। अगर एक रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं रहेगा तो रिलेशनशिप सक्सेस नहीं हो सकता। अगर रिलेशनशिप सक्सेस नहीं होगा तो आप हमेशा डिस्टर्ब रहोगे और एक डिस्टर्ब माइंड में कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकते। सो आई पर्सनली सजेस्ट कमिटमेंट होल्ड द की टू एनी पर्टिकुलर सक्सेस लेडर दैट यू वांट टू अचीव। कोई सा भी सक्सेस लेडर में आप चढ़ना चाहते हो, कुछ बड़ा चीज अचीव करना चाहते हो, कमिटमेंट उसका की है। मान लो कि सचिन तेंदुलकर ने बचपन के में जब छोटे थे तभी उन्होंने कमिट कर दिया कि मेरे को क्रिकेटर बनना है, तो उनका जो डेडिकेशन था, उसका 100% जो एफर्ट था, वो कमिटेड टू क्रिकेट हो गया। सेम वे लता मंगेशकर का 100% डेडिकेशन टू सिंगिंग हो गया। सेम वे यू हैव टू डिसाइड इन विच ऑफ द थिंग्स आई हैव टू बी कमिटेड। कोई सा भी चीज हो सकता है। मान लो कि आप एक बिजनेस को भी बड़ा करना चाहते हो। जब बिजनेस बड़ा कैसे करोगे, जब आप अपना फुल्ली कमिटेड नहीं हो अपने बिजनेस के प्रति। अभी भी आपके मन में शंका है। इफ यू आर हैविंग डाउट्स, देन यू कैन नॉट बी फुल्ली कमिटेड टू योर द थिंग दैट यू आर डूइंग। जो चीज आप कर रहे हो उस चीज को अच्छी तरीके से आप नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर वो कमिटमेंट आएगा नहीं। सो आई पर्सनली बिलीव द टाइम हैज कम, यू हैव टू बी फुल्ली कमिटेड टू योर गोल्स, ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस। हर एक इंसान को जब कमिटमेंट वाला जो चीज है वो आप 100% देने लगते हो, तब आपको पता चलता है कि आपको क्या बड़ा बड़ा चीज अचीव कर सकते हो। मान लो कि आप एक एम्प्लॉई हो, जब तक आप अपना बेस्ट कमिटमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दोगे, देन यू कैन नॉट क्लाइंब अप द करियर लेडर। इसका मतलब है कोई सा भी आपका करियर लेडर है, आप तब तक क्लाइंब नहीं कर सकते जब तक आप अपने जो जॉब में पूरा 100% कमिटमेंट नहीं दोगे। आपके बॉस को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को लगना चाहिए कि ये जो बंदा है ये कमिटेड है, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमिटेड है, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है उसके लिए कमिटेड है। देन ऑल्सो यू कैन नॉट गेट विक्ट्री। एंड ऑल्सो इफ यू आर ए बिजनेस ओनर, यू हैव टू बी कमिटेड टू योर बिजनेस एज वेल एज द पीपुल इन योर बिजनेस। इसका मतलब है कि आपको पहले तो अपने कस्टमर के प्रति और उसके बाद अपने एम्प्लॉयज के प्रति कमिटमेंट होना जरूरी है। जब तक आपके अंदर वो कमिटमेंट नहीं आएगा आपके कस्टमर के प्रति प्लस आपके एम्प्लॉयज के प्रति, तो आपका बिजनेस सक्सेस नहीं हो सकता। सो यू हैव टू बी कमिटेड इन वट एवर थिंग दैट यू आर डूइंग एंड स्पेशली टू योर गोल्स एंड एस्पिरेशंस। 100% कमिटमेंट के साथ जब आप वर्क करोगे तो आप 100% सक्सेस हो सकते हो। So this was all about commitment and how commitment can change your life forever. जो commitment है वो आपका life change कर सकता है। So you can see this guy Elon Musk. He whenever he is fully committed, he starts his own business. Whether you see Solar City, then Neuralink, then you can see artificial intelligence, then you see his SpaceX and Tesla. Many of the businesses he has started and got success too because of his commitment. And this guy Steve Jobs, his commitment to Apple and creating great products, you can see their examples in real life. They are committed to a particular thing and they got success in their life. So the message is clear in this video. I hope you like this video, then do spread with your friends, do give me a thumbs up if you like the video. Thank you very much for watching. Jai Hind, जय भारत।